बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है सूजी का हलवा। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं वो आप नोट कर लें। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे पानी, जो कि 3 कप है। यहाँ पर मैंने लिया है, यानी कि मैंने ये बाउल के हिसाब से मेजरमेंट की है। अगर आप कप के हिसाब से करना चाह रहे हैं, आप कप के हिसाब से कर लें, तो आपने ये एक एक कप लेना है। लेकिन मैंने ये बाउल यूज़ किया है, तो मैंने इसकी मेजरमेंट एक ही सूजी का बाउल लिया है, एक ही मैंने ग्रैनुलेटेड शुगर बाउल लिया है, एक ही बाउल में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने गार्निश के लिए यूज़ करने हैं वो लिए हैं, और इसमें मैंने ये कार्डमम सीड यानी कि इलायची भी ली है। और यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने एक बाउल दूध लिया है और यहाँ पे मैंने एक बाउल कुकिंग ऑयल लिया है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इस पर मैंने ये ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे मैंने एक और पैन लिया, तो इसमें मैं वो जो 3 बाउल मेरा वाटर है वो ऐड कर देती हूँ, और इसमें मैं जो 1 बाउल शुगर वो ऐड कर देती हूँ। आप 4 कप पानी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 कप दूध यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़्यादा सॉफ्ट बनता है हलवा। तो मैं इसको, इसमें मैंने कार्डमम इलायची भी डाल दी है और ये अच्छा उबल जाएगा, तो इसमें चीनी नाइसली डिजॉल्व हो जाएगी, तो फिर मैं इसको सीधा इसमें यूज़ कर लूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, आप ना भी बॉईल करें तो। इसमें मैंने कार्डमम इलायची भी डाल दी है और इसको मैं चीनी के डिजॉल्व होने तक वेट कर दी। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं सूजी डाल देती हूँ और इसको मैं भून लेती हूँ अच्छी तरह से। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ, जब इसकी नाइस स्मेल आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें दूसरे। यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर दूध में मिक्स कर लिया। अब मैं सूजी के भून जाने का वेट करती हूँ, फिर मैं इसको ऐड करूँगी और पानी को ऐड करूँगी। 3 बाउल पानी था, उसको मैंने चीनी डिजॉल्व हो गई है इसमें, मैंने बॉईल कर लिया, अब ये रेडी है। तो यहाँ पे ये देखें, मेरे सूजी भी रेडी होने वाली है, इसकी स्मेल आ रही है, बहुत नाइस भून गई है। फिर मैं आप इसमें पानी ऐड करूँगी और दूध। सूजी बिल्कुल रेडी है, बहुत नाइस स्मेल आ रही है इसकी। तो अब मैं इसमें पानी और जो दूध है वो ऐड कर देती हूँ और ये लिटरली 2 मिनट्स में कुक हो जाता है। ये देखिए मेरा हलवा रेडी हो चुका हुआ है, इवन इसका ऑयल भी सेपरेट हो रहा है, बहुत ही नाइस कुक हो गया। अब मैं इसको सर्व करती हूँ, मेरा हलवा रेडी है। इसको मैंने बाउल में सर्व कर लिया और ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने इसको गार्निश कर लिया। आप भी प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है और विद इन 10 मिनट्स रेडी हो जाती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मैं आपको मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ,
तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।